सो गाइस देख पा रहे होंगे पीरपैंती शहर जो है हम लोग पार कर चुके हैं, पीछे पीछे ही भाई फोर लाइन से ही होंगे काम। पीरपैंती के पास भी एकदम अच्छा खासा काम हो रहा है भाई, कि फोर लाइन का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको ध्यान रखते हुए कि शहर से हमेशा अलग करके ही रखना है, तो जो उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत जो है वो लगाया जाता है यही देखा जाएगा भविष्य में। ख़त्म हो गया है, देख पा रहे होंगे यहाँ से फिर आप लोग को गांव घर देखने को मिल जाएगा, खेती बाड़ी। तो पत्थर जो है अप्रोच पथ में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, डस्ट जो होता है पहाड़ का, देख पा रहे होंगे गाइस इधर क्यूरिंग वगैरह सब अच्छा खासा कर लिया गया है। और भाई डर भी लग रहा है, थोड़ा सुनसान इलाका में है। ये जो है देख पा रहे होंगे कहलगांव NTPC है गाइस, दिख रहा होगा। तो ब्यूटीफुल पीपल की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग, होप करते गाइस कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए अपडेट के साथ। तो पिछले बार जो मिर्जा चौकी का जो अपडेट आया था गाइस वो NH80 से रिलेटिव आगे तक हुई थी, और अभी जो है हम लोग मिर्जा चौकी से काफ़ी आगे आने के बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और देख पा रहे होंगे इस जगह का तो नाम मुझे पता नहीं है, पर यहाँ से अब जो अप्रोच पथ का काम आप लोग को देखने को मिलेगा। कोशिश रहेगी हमारी कि कहलगांव तक का जो अपडेट इस ब्लॉग में हम आप लोग को दिखा दें, या देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग से हो पाता है, कहाँ तक हम लोग इधर से जा सकते हैं। इधर देख पा रहे होंगे मिट्टी, तो इधर देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा ही भर दिया गया है, जैसा कि देख ही पा रहे होंगे अभी इस साइड करीब करीब 30-30 फीट मिट्टी भर दिया गया, और ऊपर जो है ब्लैक टॉप का जो काम है कुछ हद तक कुछ जगह जो है कर भी दिया गया है। और भाई डर भी लग रहा है, थोड़ा सुनसान इलाका में है और पूरा जंगल ही जंगल है। कोशिश रहेगी हमारी कि जल्द से जल्द वीडियो बना के हम लोग NH80 को पकड़ ले तो बहुत ही बेहतर की बात होगी। ओ भाई साहब इधर आने के बाद तो एकदम अलग ही लेवल का काम हुआ पड़ा है बॉस, इधर तो कंक्रीटिंग का भी काम कंप्लीट हो गया है, देख पा रहे होंगे ब्लैक टॉप का काम अच्छा खासा किया गया है। हम लोग पिछले ब्लॉग जो किए थे मिर्जा चौकी का उसमें तो कोई खास अपडेट आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा, पर ये अपडेट में तो भाई साहब एक नंबर काम हुआ है, लग रहा है कि हाँ काम जो है अच्छा खासा मिर्जा चौकी तरफ से भी कर लिया गया है। देख पा रहे होंगे उधर तो क्यूरिंग भी हो चुका है बॉस, उधर क्यूरिंग हो रहा है अच्छा खासा। पिछले ब्लॉग में मुझे गलतफहमी हो गया था कि इधर जो है काम उतना ज़्यादा खींचा नहीं गया है, पर इधर तो अच्छा खासा काम हो गया है, उस साइड क्यूरिंग भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे गाइस इधर क्यूरिंग वगैरह सब अच्छा खासा कर लिया गया है। एक स्टेप का जो क्यूरिंग है वो हो चुका है, कंक्रीटिंग का काम एक लेवल का एक साइड का अप्रोच पथ का वो कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल से जो है अभी कहलगांव और कहलगांव से करीब करीब 20-25 किलोमीटर अभी पीछे है, मतलब मिर्जा चौकी से करीब करीब 5-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं अप्रोच पथ को देखते हुए, देख पा रहे होंगे गाइस अच्छा खासा गाइस काम किया गया है, मतलब एक नंबर। हम तो पिछले ब्लॉग में मुझे लगा कि उतना ज़्यादा काम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है मिर्जा चौकी की ओर, पर गलतफहमी है, बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया गया है। तो बॉस आप लोग को उधर अभी दिखाए कि कितना ज़्यादा काम कर लिया गया है, करीब करीब जो क्यूरिंग का काम जो है वो करीब करीब अच्छा खासा कर लिया गया है 2-3 किलोमीटर का। तो अभी जो है हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और इधर अगर गाइस बात किया जाए तो पत्थर जो है अप्रोच पथ में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, डस्ट जो होता है पहाड़ को जो अभी पत्थर के रूप में तोड़ा उड़ा जाता है, तो उसका जो डस्ट बचा हुआ है जो बेस्ट जो ख़राब मटेरियल होता है उसका यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे इधर छाड़ का कम यूज़ किया जा रहा है और डस्ट का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और फरक्का जो मिर्जा चौकी से जो फरक्का की ओर जा रही है फोर लाइन उसमें भी डस्ट का ही यूज किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे आके फिर से काम जो है ख़त्म हो गया है, देख पा रहे होंगे यहाँ से फिर आप लोग को गांव घर देखने को मिल जाएगा खेती बाड़ी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ तक आगे जा सकते हैं। देख पा रहे होंगे गाइस आप लोग को उधर काम दिखाए, और इधर जो है अभी सिर्फ मिट्टी को छील दिया गया है और कुछ विशेष काम नहीं हुई है। चलिए मिलते हैं, काफ़ी अंदर निकलने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा
जो एप्रोच पथ का फिर से काम जो है स्टार्ट आगे से कर दिया गया है। मतलब बीच में जहाँ पे मुआवजा हो नहीं दिया गया होगा, जहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण में प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ पे काम गाइस नहीं हुई है। वहाँ पे अप्रोच पथ का जो काम है बहुत बीरोटा सन्नाटा, कुछ भी काम नहीं हुआ है भाई। और जहाँ पे मुआवजा और ज़मीन अधिग्रहण फुल्ली 100% कर लिया गया है वहाँ पे बढ़िया तरीक़ा से काम जो है वो किया गया है। और रही बात और अंदर चलने का, तो हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं, और कोशिश हमारी रहेगी कि कहलगांव तक जो है फोर लाइन से होते हुए ये हम लोग चलें। तो गाइस अभी हम लोग करीब करीब 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, पीरपैंती के बहुत ही करीब आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड आप लोगों को आम का जो बगीचा है वो नज़र आ रही होगी। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधा को काटा गया होगा, और जितना काटा गया देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत जो है वो लगाया जाता है, यही देखा जाएगा भविष्य में। भाई साहब एक नंबर हो रही है। यहाँ पे जो है पुल बनाया जाएगा बॉस, यहाँ पे पुल का काम होने वाला है। देख पा रहे होंगे उस साइड सुपर स्ट्रक्चर को बनाया गया है सेगमेंट, जैसा कि देख रहे होंगे पुल भी अच्छा खासा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है पाया। तो इस पे जो है अब सिर्फ बैठाया जाएगा। देख रहे होंगे गाइस पुल जो है अब ये भी कंप्लीट हो ही चुका है, देख पा रहे होंगे एकदम। चलिए मिलते हैं गाइस। अरे तो गाइस अभी जो है हम लोग एक अजीब सा इलाका नंकुश पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अभी जो है तली से ही स्टार्टिंग हुआ है। कोई 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 जगह जो है 30-30 फीट मिट्टी का काम कर लिया गया है, और कोई कोई जगह जो है वो अभी सिर्फ तली को ही मेंटेन किया जा रहा है, मतलब लेवल में किया जा रहा है तली को। देख पा रहे होंगे इधर भी आप लोगों को एकदम दिख जाएगा, तो यहाँ तक जो है आप लोगों को काम नज़र आ रहा होगा एक लेवल का। और इसका अगला लेवल जो है आप लोग को, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देख पा रहे होंगे हैं गाइस हम लोग कैसे इलाके में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। अभी इधर जो है ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, और गाछ वगैरह सब का जो कटाई है अब वो स्टार्ट किया जाएगा कुछ कुछ ऐसा जगह पे। तो गाइस देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोग को राउंड फिगर जैसा दिख रहा होगा गोल जैसा, तो आप लोग अंदाज़ लगाइएगा, कॉमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ क्या है। और इधर तो देख पा रहे मतलब कहीं कहीं जो है अच्छा खासा गाइस काम कर लिया गया है, और कहीं जो है मिट्टी अधिग्रहण ही किया जा रहा है, और कहीं ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, कहीं पेड़ का काम हो रहा है, मतलब हर जगह हर तरह का काम हो रहा है। सो गाइस अभी हम लोग NH-80 पे हैं, जैसा कि अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और रही बात यहाँ से आप लोग को रीज़न क्या है बताने का, तो अभी हम लोग पीरपैंती जो मार्केट है शहर है उसे करीब करीब 1 किलोमीटर आगे हैं, मतलब बाहर है शहर से। और जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं शुरू से ही कि फोर लाइन का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको ध्यान रखते हुए कि शहर से हमेशा अलग करके ही रखना है। तो जैसा कि यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ से पीरपैंती ये शहर हो गया, और उस शहर के पीछे से फोर लाइन को गुजार दिया गया है, और इधर देखा जाए तो फिर पीरपैंती से आगे लाने के बाद यहाँ से NH-80 में से मिला दिया गया, देख रहे होंगे। तो चलते हैं और आगे चल के देखते हैं गैस। देख पा रहे होंगे गैस इधर का काम एकदम एक नंबर हो रहा है इधर भी भाई साहब। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पीरपैंती शहर तो जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, हम आप लोग को इधर से ही दिखा देते हैं। देख पा रहे होंगे काम पीरपैंती के पास भी एकदम अच्छा खासा काम हो रहा है भाई, ये नहीं कि नहीं, काम तो एकदम हो रहा है भाई साहब। गाड़ी तो दम तोड़ रहा है फिर भी चल रहा है। ये जितना भी है पीरपैंती जो है अब आप लोग को राख छार जो है NTPC का छार जो होता है वो देखने को मिल जाएगा। अरे तो गाइस अभी देखिए कि क्या तमाशा हुआ हम लोग के साथ तो भाई यही प्रॉब्लम होता है छाड़ में चलने के बाद।
तो गाइस पीरपैती के पास देख पा रहे होंगे अंडर पासिंग तो अभी बना ही रहा, अभी अंडर पासिंग का ही काम पीरपैती के पास चल रही है और अप्रोच पथ का जो काम है वो भी हो रही है। देख पा रहे होंगे गाइस पीरपैती शहर के जस्ट पीछे अप्रोच पथ का काम। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ज़मीन जो ऐसे ही परती पड़ा हुआ है, तो इस जगह का मेरे अंदाजा से मुआवजा जो है या जमीन अधिग्रहण अभी नहीं किया गया है, देख पा रहे होंगे। तो यही सब प्रॉब्लम होता है, ये कहीं कहीं जो है ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है और कहीं जो है ज़मीन अधिग्रहण हुआ है तो वहाँ जोरों शोरों से काम हो रही है गाइस ये नहीं। सो गाइस देख पा रहे होंगे पीरपैती शहर जो है हम लोग पार कर चुके हैं और पीछे पीछे ही भाई फोर लाइन से ही देख पा रहे होंगे भाई अंदर में दुकान वगैरह से भी देखने को मिल रहा है। आखिरकार यहाँ जो वर्कर काम कर रहा है उन लोगों के लिए थोड़ा मोड़ा तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है देख खाने पीने का जो कि नज़र आना चाहिए था नज़र आया। तो गाइस देख रहे होंगे यहाँ से आप लोगों को एकदम लंबा दूर तक दिख जाएगा, करीब करीब जो है 20-20 फीट जो है मिट्टी का काम वो कर दिया गया है, देख पा रहे होंगे ये भी नाला और अंडर पासिंग दोनों बोल सकते हैं। तो गाइस काफ़ी देर के बाद जो है हम लोग को इधर लेवलिंग मशीन वगैरह सब जो है वो नज़र आ रही है और काम होते हुए देख पा रहे होंगे। इधर मिट्टी का काम ज़्यादा देखने को मिल रहा है भाई, अभी जो है हम लोग कहलगांव घुस चुके हैं, कहलगांव के आसपास आ चुके हैं, करीब 1.5 किलोमीटर ही बचा होगा कहलगांव, देख पा रहे होंगे उसके पास भी कहलगांव के पास भी एकदम अच्छा खासा गाइस काम किया गया है। तो गाइस इधर आप देख पा रहे होंगे मिट्टी का जो है लेवलिंग कितना हाइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए कितना जाना चाहिए वो यहाँ पे लेवल और मेंटेन जो है मतलब समुद्री तल से कितना ऊंचाई होने वाला है हर एक जगह का वो माफी किया जा रहा था, जैसा कि अभी आप लोग देखे उधर। सो गाइस हम लोग जो है कहलगांव के जस्ट पीछे में है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काम भाई साहब यहाँ पे पुल जो है वो बनाया जा रहा है, देख पा रहे होंगे ये नाला के कारण भाई साहब काम तो एकदम बेहतरीन से हो रही है। कहलगांव के पास भी दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग को ये जो है देख पा रहे होंगे कहलगांव NTPC गाइस दिख रहा होगा आप लोग को, चिमनी भट्टी दिख रहा देख पा रहे होंगे आप लोग को, भट्टी दिख रहा होगा कहलगांव के कहलगांव NTPC के जस्ट पीछे से फोर लाइन को गुजारा गया है। सो होप करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्यार से लाइक कॉमेंट शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा एक मस्त वीडियो के साथ मस्त अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।